लेते क्या सही है। आपका आधार कार्ड लेंगे कि लोग से मजबूरी समझ जाते हैं कई बार। शाम के टाइम कितना खूबसूरत लग रहा है। हो गया पोपट। वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनकेवी व्लॉग्स। मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत ज्यादा स्वागत करता हूँ। बट एक ट्विस्ट है, मैं सोच रहा था यहाँ पे बाइक हायर कर लूँ, बट बाइक इसलिए हायर नहीं कर रहा, अभी आपको रोड पे पता चलेगा मैं बाइक क्यों हायर नहीं कर रहा। बट फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पे रूल्स। वो कल एक ऑटो वाले से बात हो रही थी, ऐसे मेरी बातों बातों में निकल गया, तो उसने बताया कि सर यहाँ गवर्नमेंट के रूल्स नहीं चलते, यहाँ लोगों के रूल्स चलते हैं, यहाँ लोगों के हिसाब से रूल्स बनाए जाते हैं। और ऐसा उसने क्यों बोला ये आपको चलो सामने ही बताऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा सुनने में और देखने में उससे ज्यादा मजा आएगा। तो बने रहो मेरे साथ और चलते रहो बस मेरे साथ। किसके साथ? एनकेवी ब्लॉग्स के साथ और नवीन कुमार के साथ। तो चले, रेडी हूँ मैं आज, फुल एनर्जेटिक, मजा ही आ रहा है आज, फील अंदर से अलग आ रहा है। तो चलो यहाँ से निकलते हैं, फिर मिलता हूँ रास्ते में, समझ रहे हो ना, बाहर निकल के बात करते हैं। चलो के लिए हम आए हैं, इसको लेके आज अहमदाबाद में घूमेंगे, बट इसको लेते कैसे ये चेक करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। ये रहा, पहले हमें इसका ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, लोकेट द नियरेस्ट माई सर्कल ऐप, सिलेक्ट योर बाइक, फिर बाइक सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर अनलॉक राइड करनी पड़ेगी, फिर एंड उसके बाद जो अमाउंट होगा वो पे करना पड़ेगा। सो दैट्स क्रेजी। तो चलो इसको हायर करते हैं, फिर निकलते हैं अहमदाबाद की सड़कों पे। सो गाइस, यहाँ पे सीन ऐसा हुआ है, जो साइकिल में हायर करने वाला था उसमें एक छोटा सा इशू ये आ गया है कि उसमें एक चीज ये है कि आपको 500 रुपीस डिपॉजिट ही देना पड़ता है। अब मैं डिपॉजिट तो कर दूं कोई इशू नहीं है, बट उसमें रिफंड का क्या सीन है, रिफंड आएगा भी कि नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो कितना टाइम लेता है रिफंड करने में, ये कुछ नहीं पता। तो मैंने यहाँ से अहमदाबाद का कोई बंदा था, मैंने उससे बात करी नियर बाय जो खड़े थे यहाँ, तो उन्होंने बोला भैया आप ऐसा करो रिवर फ्रंट पे चले जाओ, रिवर फ्रंट पे आपका आधार कार्ड लेंगे और वहां से वो बंदा कंट्रोल करेगा, आपको सिक्योरिटी अमाउंट नहीं देना पड़ेगा, बस आपको आधार कार्ड हमने सबमिट करने का, जब आप रिटर्न करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ रिवर फ्रंट। तो चलो पहले साइकिल हायर करते हैं और देखते हैं क्या सीन है। सो गाइस, मैं अपना वॉलेट जो है अपने होटल में भूल गया था। तो आपका नाम क्या बॉस? कुशांग जी ने मेरी मदद करी है, 10 रुपए मुझे चाहिए थे नीचे जाके मुझे कंफर्मेशन लेने के लिए। थैंक यू सो मच ब्रदर, सच एन ऑसम पर्सन यार, मतलब ना जानते हुए भी किसी की हेल्प करना। आई मस्ट से दैट कि लोग से मजबूरी समझ जाते हैं कई बार, कि मैं अपना पर्स जो है अपने होटल में भूल गया था, बट कुशांग जी ने मेरी मदद करी, थैंक यू सो मच कुशांग फ्रॉम द अहमदाबाद। मेमोरी बन रही है। शाम के टाइम कितना खूबसूरत लग रहा है, वाओ, अगर यहाँ पे नहाने का होता तो अभी तक मैं 3-4 बार नहा चुका होता। लव्ड इट। तो फाइनली पता कर लिया है, बात हो गई है, वो कह रहे हैं सर विद इन 24 आवर्स के अंदर आपका जितना अमाउंट हमने इसमें डिपॉजिट करा है वो रिफंड हो जाएगा। तो चलो चलते हैं हायर कर लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं क्योंकि काफी लेट हो गया है और थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा, हाँ जाना है वहाँ पे, अंधेरे में मजा आने वाला। चलो चलते हैं। हो गया पोपट, उसमें मैं अमाउंट भी डाल रहा हूँ जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, फिर भी वो अनलॉक नहीं हो रहा, और ऐसा करते करते हो गई काफी शाम। तो मैंने सोचा छोड़ो साइकिल को, साइकिल सुबह अपन चला लेंगे रिवर फ्रंट पे थोड़ी सी देर। तो मैंने अभी डिसाइड करा है कि मैं जा रहा हूँ मानिक चौक। तो मैंने अब डिसाइड करा है मैं बाय ऑटो जाऊंगा, कि साइकिल तो मिल नहीं पा रही, बाइक मैं ले नहीं सकता, तो अब बाय ऑटो जाऊंगा। तो चलो चलते हैं मानिक चौक, और आज की डेस्टिनेशन होने लगी मानिक चौक, जो मैं आज रात में घूमने वाला हूँ। बोला जाता है कि यहाँ रात अच्छी होती है, तो मैं भी चल के देख लेता हूँ कितनी अच्छी है। तो चलो चलते हैं मानिक चौक। तो अपने साथ एक सीन थोड़ी और रखा है, एक सीन और रखा है, अगर आपको याद हो मैं अपना पर्स होटल में भूल चुका हूँ, तो अभी मैं होटल जा रहा हूँ, पहले पर्स पिक करूंगा उसके बाद जाऊंगा मानिक चौक।